हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों लिंक आ गया है कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है डिप्लोमा में एडमिशन करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हुआ चलूँगा कि आप जो लोग डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको 14 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था मगर RCI की वेबसाइट पर कोई लिंक नहीं आया था, लिंक आज आ चुका है 17 सितंबर को। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 29,100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 20,000 व्यूज़ आएँ और हमारे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। दोस्तों इस गोल को अचीव करवाने में आप मेरी मदद करें, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं एडमिशन को करवाने में। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो। सबसे पहले हमें आना है गूगल पर। आप घर बैठकर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठकर फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े जाकर ये वीडियो दिखाकर उनको बता सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये फेक है इस तरह से। दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। देखो मैं यहाँ पर जनरल वेबसाइट के जो वेबसाइट है वो विज़िट करता हूँ। यहाँ पर rehabcouncil.nic.in ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो लिंक खुलेगा उसके अंदर यहाँ पर आपको पूरा पोर्टल, मेरा जो या ना मैं जो थोड़ा नेट है या जो सर्वर है वो थोड़ा यहाँ पर स्लो हो रहा है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है डायरेक्ट उस पेज का जहाँ से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और दूसरा लिंक जो है वो PDF का है, जिसके अंदर देश भर में यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसको आप सर्च कर पाएंगे। दोस्तों मैं ये जो लिंक है, इस लिंक पर आप सीधा इस तरह से आएंगे, मैं आपको साइट से भी बता दूंगा कि आप कैसे जा पाएंगे। सब आपको यहाँ पर आते ही कर लेना है डेस्कटॉप साइट। करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद ही सीधा आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इश्तियाक, मैंने यहाँ पर इश्तियाक लिखा, लास्ट नेम खान कर दिया मैंने, जिसका मिडल नेम है वो वैसे भी लिख सकता, फादर नेम मैंने लिखा यहाँ पर AYUB अयूब लिखा और मदर नेम आयशा लिखा। मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और जेंडर चूज़ कर लिया मेल यहाँ पर, फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर ली, ईमेल आईडी चूज़ कर लिया, आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो मैंडेटरी है आपको यहाँ पर टाइप करना ही पड़ेगा। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है आप क्या या बाहर किसी देश से हैं वो लिखना पड़ेगा। आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप जनरल है, OBC है, SC है, ST है या PWD है। यहाँ पर EWS कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है, तो जो लोग जनरल से EWS कैटेगरी में आते हैं वो लोग जनरल चूज़ कर लेना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर आपको जनरल क्या करना है, आपको अपना एड्रेस फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या, आपका पिन कोड फिल करना है, परमानेंट एड्रेस और परमानेंट पिन कोड। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर जब आप कर लेंगे तो ये एक रेजिडेंस वाला है और कॉरेस्पॉन्डेंस वाला की यानी कि जहाँ से आपकी वार्तालाप किया जाएगा, जहाँ से मतलब कुछ अगर आपको RCI को आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो या कुछ मेल वगैरह करना है या कोई चिट्ठी भेजनी है तो इस एड्रेस पर आपकी भेज देंगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। 10th का यहाँ पर बोर्ड लिखना है, CBSE है, UP बोर्ड है, इलाहाबाद UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, 10+2 का भी बोर्ड लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, रोल नंबर दोनों के मेंशन करने हैं, 10th में किसी की अगर CGPA आए तो CGPA मेंशन करें या फिर मार्क्स जो टोटल है वो करें मेंशन, परसेंटेज करें, सिंपल सी बात है। दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी आपके, यहाँ पर कोर्स आपको चूज़ करना है कि आप किस में करना चाहते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ विजुअल इंपेयरमेंट में, मैं करना चाहता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट सेंटर कौन सा। यहाँ पर बहुत सारे सेंटर आ गए, आप देख लीजिए जो ये तो सारे हैं टोटल। अब यहाँ पर ना आपको क्या करना है, जो ये PDF है मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये PDF भी ओपन की हुई है ना, ये PDF जो है और एक वो जो PDF है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके अंदर सभी इंस्टीट्यूट की लिस्ट है। उस पर जाके आपको देखना है कि जो इंस्टीट्यूट आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके घर के आसपास का है या नहीं। मान के चलो मैंने यहाँ पर चूज़ करा अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर कड़गड़ूमा, उसके बाद सेलेक्ट जो है। यहाँ पर देखो दोस्तों 3 सेंटर, जैसे मैं 5 कह रहा था आपको, यहाँ पर हम 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। सेकंड चूज़ कर ला मैंने चैतन्य कॉलेज, थर्ड किया मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर फॉर द टीचर ऑफ द विजुअली, ये सारे आ गए। अब आपको ये चीज़ एक मेंशन करनी है, डी से ये दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, ए से ये आंध्र प्रदेश या कहीं और से स्टार्ट होगा, बी से बिहार से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें ये गलती मत कर देना कि आप किसी और अदर स्टेट का चूज़ कर लो और उसमें आपको दिक्कत आ जाए। आपको दो बहुत बड़े काम ये कर रहे हैं कि आपको पहले जो आपका रीजनल जो भी आपकी जगह है जहां आप रहते हैं वहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है RCI की PDF जो है उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके पहले आपके पास सामने PDF आएगी, सभी इंस्टीट्यूट आपको देखने हैं, सभी इंस्टीट्यूट जो एड्रेस वाइज हैं, उसके बाद आप यहां पर चूज़ करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको फ़ोटो चूज़ करना है, मैं आ जाता हूं यहां पर, मैंने यहां पर फाइल्स में गया, फाइल्स में जाने के बाद मैं यहां पर सीधा जाऊंगा कैमरे में और यहां मैं पिक्चर में जाऊंगा, उसके बाद मैं सीधा कैमरे के अंदर जाऊंगा और मैं यहां से अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लूंगा
और यहाँ पर इसको मैं अपलोड कर लूँगा। ये मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर देखो, जैसे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, यहाँ पर इमेज साइज़ जो है मस्ट बी लेस देन 50 KB। तो दोस्तों आपकी जो साइज़ है फ़ोटो की वो 50 KB से कम होने चाहिए। सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपको फाइल्स के अंदर जाना है, लैपटॉप के अंदर है। अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो लैपटॉप के अंदर बना दूंगा सेपरेटली। आप यहाँ पर करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर आना है, यहाँ पर आई हेयर भी पे क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पर 675 और जो भी इसका कैप्चर कोड है वो डालना है, 675 675 और F18। इसको फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें मेंशन नहीं की है, तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैंने जो मेंशन नहीं की है तो उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर वो आपको फिल करने के बाद ही आप आगे आ पाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो में बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँ तो दोस्तों मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी चीज़ें जानकारी दे दी आप लोगों को। आप लोगों को सारा जो मेन काम है आप लोगों का यहाँ पर काम है, बाकी सबको सबकी सारी जानकारी होती है फिर भी। और दोस्तों मुझे कॉल ना करें, जिन पर मेरा नंबर है कॉल ना करें। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस पे नंबर है। सबसे पहले आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, जो भी आप करना चाहते हैं। आप डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी में करना चाहते हैं, फर्स्ट सेंटर आप कौन सा चूज़ करेंगे? यहाँ देखो एक आ गया, यहाँ पर तो चॉइस है ही नहीं आपके पास। मगर दोस्तों फिर भी अगर आप कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिसके अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूट है, मान के चलो मैं यहाँ पर ऑटिज़म का ले लेता हूँ, यहाँ पर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट सेंटर अगर आप ये देख लीजिए, इसकी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डी से स्टार्ट हो रही है, तो ये दिल्ली के हैं। आप ऐसा ना हो कि राजस्थान के लोग दिल्ली का भर दें या दिल्ली के लोग राजस्थान का भर दें और फिर ये गड़बड़ हो जाए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। इस वीडियो में मैक्सिमम जानकारी आपको मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है ये, और हम पीछे भी आ जाते हैं कि RCI की वेबसाइट पर। जैसे हम यहाँ पर आ गए rehabcouncil.nic.in के बाद, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सीधा जाना है कि आपको किस तरह से ये करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है टू फिल अप द ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद भी आपके सामने सीधा वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि ये लिंक खुल जाए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको यहाँ से बताता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधा आप आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर के बाद आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो दोस्तों सिंपल मैंने बता दिया है, एक वीडियो सेपरेटली पूरा फॉर्म फिल करके पेमेंट तक की कल मैं बना दूंगा, कल मॉर्निंग में आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।